मॉर्निंग में हर लेडी के दिमाग में यही चलता है कि आज नाश्ते के अंदर क्या बनाया जाए और बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाकर डाला जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नाश्ता जिसे आपके बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे और आपके फैमिली वाले भी काफ़ी खुश होकर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं सूजी के सैंडविच और इसके साथ में हम लोग बनाएंगे एक ग्रीन चटपटी चटनी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं दीपा एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ और चलिए अब जल्दी से आप और हम मिलकर देखते हैं कि सूजी के सैंडविच कैसे बनाए जाते हैं। सैंडविच के साथ खाने के लिए हम लोग बनाएंगे ग्रीन चटपटी चटनी। तो इसके लिए लिया है मैंने हरा धनिया, ये हम लोग एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद में मैंने ली है कटिंग की हुई हरी मिर्ची, ये भी हमें मिक्सी के जार में डाल देनी है। और साथ में ही ली है मैंने थोड़ी सी रोस्टेड पीनट्स, ये भी हमें इसके अंदर डाल देनी है। और इसके बाद में लिए हैं मैंने जिंजर यानी कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने एक ऑरेंज का जूस निकाल लिया है, ये जूस हम इसके अंदर डालेंगे। और साथ में ही एक बड़े साइज के नींबू का भी जूस निकाल लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इन सब का हमें पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ऑरेंज के जूस से और नींबू के रस से इस चटनी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आने वाला है और ये पेस्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग पहले सफ़ेद नमक, उसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो मसालादानी है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको इसे खरीदना है तो आप वहाँ जाकर इसे खरीद सकते हो। अब इसमें डालेंगे हाफ कप दही, ये दही डालने के बाद में हमें इसे फिर से ब्लेंड करना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच के लिए मैंने एक बाउल के अंदर 3 कप सूजी ली है। अब सूजी के साथ हमें इसमें डालना है 1 कप दही। दही डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। इस सब को हमें अच्छे से मिला लेना है। आपको जितने सैंडविच बनाने हैं उस हिसाब से आप सूजी कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें इसका बैटर ना ही तो बहुत ज़्यादा लूज़ बनाना है और ना ही टाइट बनाना है, मीडियम सॉफ्ट बैटर बनाकर तैयार करना है। बैटर बन चुका है, इसमें डालेंगे सब्जियां। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी स्वीट कॉर्न और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटिंग किए हुए प्याज। प्याज डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च। सब्जियां भी आप अपने पसंद से इसमें डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे बारीक कटिंग किए हुए गाजर। ये सब डालने के बाद में हमें इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेना है। ये सब मिलाने के बाद में हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, हमारी ये जो सूजी है ये अच्छी तरह से भीग जाए। और बाद में हम चेक करेंगे ये कितना टाइट है, यदि ये ज़्यादा टाइट हुआ तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी कंसिस्टेंसी में इस पेस्ट को रखना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इनो, ये मेरे पास एक पाउच है इनो का, ये पूरा पाउच मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इनो डालने के बाद में ये बैटर थोड़ा और लूज़ हो जाएगा, तो इसलिए पहले इसे आप ज़्यादा लूज़ नहीं रखोगे। अगर आपने इसे पहले ही लूज़ रख लिया तो इनो डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा और आपको सैंडविच बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ली है मैंने ब्राउन ब्रेड, आप इसकी जगह पर वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। हमें इसमें पूरी ब्रेड का यूज नहीं करना, हमें सिर्फ ब्रेड की बाउंड्री चाहिए। तो अब एक चाकू की हेल्प से मैं सेंटर का सारा पार्ट निकाल दूंगी ब्रेड का। तो ये देखिए, हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और इसकी कटिंग करके हमें इसके सेंटर का पार्ट निकाल देना है और हमें ब्रेड की बाउंड्री लेनी है। तो इसी तरह से मैं सारे पीस इसके बनाकर तैयार कर लूँगी, ब्रेड के सेंटर के सारे पार्ट निकाल दूँगी और सिर्फ बाउंड्री रखूँगी अपने पास। तो ये देखिए, हमने बाउंड्री बनाकर तैयार कर ली है। और साथ में मैंने ली है एक कढ़ाई, इसे घी से मैंने ग्रीस कर लिया है
और ये एक ब्रेड वाला पीस हम इसके अंदर रखेंगे और इसके अंदर हमने जो सूजी का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हम इस ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से फिल कर देंगे। फिल करते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कहीं से भी स्पेस ना रहे, इसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद में हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे लो फ्लेम पे ही कढ़ाई के अंदर पकने देंगे और जब हमें लगेगा कि एक साइड से पक चुका है तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो चलिए इसकी भी साइड चेंज कर लेते हैं और ये देखिए एक साइड से काफ़ी अच्छा पक चुका है और इसका कलर भी काफ़ी प्यारा आया है। अब हम इसे दूसरी साइड से पका लेते हैं। इसके लिए हम इसके साइड में घी डालेंगे और इसके ऊपर भी घी डालेंगे। घी लगाकर हम इन्हें पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनेंगे। और आप लोगों को कम घी वाले खाने हैं तो आप इन्हें किसी भी नॉनस्टिक के तवे पे या कढ़ाई में बनाकर खा सकते हो। और आप इन्हें बना रहे हो किसी लोहे के तवे पे तो लोहे के तवे पे ये विदाउट घी के नहीं बनेंगे, उस पर आपको ऑयल या घी का यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट घी आपको खाने हैं तो उसके लिए आपको नॉनस्टिक का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक सैंडविच हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम लोग बाकी के सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये कढ़ाई का साइज बड़ा है तो मैंने एक साथ इसमें दो पीस डाल दिए। तो आपके पास भी यदि बड़े साइज का बर्तन है, कढ़ाई है, तवा है तो उसके ऊपर दो दो पीस आप एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए ये सैंडविच भी हमारे पककर तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इन्हें भी हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं, चलिए इनकी कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कोई नहीं बता पाएगा कि आप लोगों ने ये सैंडविच सूजी के बनाकर तैयार किए हैं। ये काफ़ी हेल्दी भी है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और टेस्ट का पता तो आप लोगों को तब लगेगा जब आप लोग इन्हें बनाकर खाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब चलती हूँ, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप एंजॉय।